अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी टॉक्स के साथ आपका होस्ट चौधरी शबाज पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट जो कि यूबीएन ट्रेड टावर के नाम से यहाँ बनने जा रहे हैं, हमारा अपना प्रोजेक्ट है, एक मुनफरद प्रोजेक्ट, इसको इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन के हवाले से आपको अपडेट देता हूँ, तो मेन गेट से यानी कि बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर विद इन 1 और 2 मीटर के डिस्टेंस तय करने पर, वॉकिंग डिस्टेंस तय करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट तक इजीली आप वॉकिंग यानी कि विदाउट किसी सवारी, विदाउट यानी कि बाइक, इस तरह की कोई भी चीज़ यानी कि लिए बगैर आप इजीली इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं विद इन 1 और 2 मीटर। इसके अलावा ये मेन जना एवेन्यू कमर्शल जो है जो बिल्कुल मेन गेट से स्टार्ट होते हैं, 1, 2 और 3 इस तरह अराउंड अबाउट प्लाट चलते जाते हैं जिन्हें एवेन्यू कमर्शियल के, ये उसके 11 नंबर प्लाट के ऊपर लोकेटेड है। जस्ट 11 नंबर प्लाट मीन के 1, 2 और 3 इसी तरह आप ये आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि किस तरह यानी कि 1 से 11 जस्ट 10 प्लाट छोड़ के ये 11 नंबर प्लाट के ऊपर ये लोकेटेड है। सराउंडिंग की बात करता हूँ तो बहुत इसकी बैक साइड पे प्रीसेंट 1 आता है, ऑपोजिट साइड पे प्रीसेंट 19 आता है। कार्निवल बिल्कुल इसके पास है, मेन गेट से करीब तरीन है। इसके अलावा अगर इसके अंदर ऑफिस की बात करते हैं तो बहुत रीजनेबल ऑफिस के साइज़ हैं, मीन के छोटे साइज़ के भी ऑफिस हैं और बड़े साइज़ के भी ऑफिस हैं, जो यानी कि अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं छोटे पैमाने पे तो वो भी इसके अंदर इजीली यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी कारोबार इसके अंदर शुरू कर सकते हैं। मीन के जो छोटे साइज़ का ऑफिस है वो हर बंदे की पहुँच में आता है, 526 स्क्वेयर फीट का जो सबसे छोटा ऑफिस है वो 526 स्क्वेयर फीट का ऑफिस है इसके अंदर यूबीएन ट्रेड टावर के अंदर। और मैक्सिमम जो ऑफिस का साइज़ है वो तकरीबन 1135 स्क्वेयर फीट का उसका कवर्ड एरिया होगा मैक्सिमम इसके ऑफिस का जो साइज़ है। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है और हर मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है कोई भी इन्वेस्टर या जो बेसिक ऑफिस परचेज करना चाह रहा है इस सोसाइटी के अंदर, बैरियटाउन कराची जैसी सोसाइटी के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस टाइम। इसके अलावा मैं स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज के जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे मुखातब हूँ कि उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन के लिहाज से देखें उनकी जो इस टाइम फाइल्स 45 से 50% अराउंड अबाउट इस टाइम मार्केट में नेगेटिव प्राइस में सोल्ड आउट हो रही हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी फाइल को 100% जितने भी पैसे उन्होंने जमा करवाए हैं, बैरिया को पेड किए हैं, वो हम इस ट्रेड टावर के अंदर 100% वेलकम करते हैं। उसके अगेंस्ट वो ऑफिस बुक करवा सकते हैं किसी भी साइज़ का, 526 स्क्वेयर फीट या इस तरह अराउंड अबाउट 1135 स्क्वेयर फीट तक कोई भी ऑफिस वो बुक करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस अवेलेबल हैं, इसी तरह ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी ये बिल्डिंग है। आप किसी भी इस टाइम नंबर ऑफ ऑफिस जस्ट अवेलेबल हैं, प्री लॉन्चिंग ऑलरेडी हमारी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तकरीबन लास्ट को 3-4 वीडियो हमने अपलोड की थी, उस टाइम इसकी प्री लॉन्चिंग, अभी नंबर ऑफ ऑफिस जस्ट अवेलेबल हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन भाइयों दोस्तों ने या इन्वेस्टर हजरात ने अभी प्लानिंग की हुई है तो ये उनके लिए अच्छी ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑफिस हैं और इंशाल्लाह दिसंबर में इसकी डिगिंग भी स्टार्ट हो रही है, और जब डिगिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसकी प्राइस जो होती है वो ऑटोमेटिक मूव हो जाती है। मीन के जो इस टाइम आपको 8,000 पर स्क्वेयर फीट पर मिल रहा है ऑफिस, वो तकरीबन जब उसकी प्री लॉन्चिंग के बाद प्रॉपर डिगिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके रेट भी इंक्रीज होते हैं, प्री लॉन्चिंग में रेट और होते हैं और जब यानी कि हम इसको लेके चलते हैं डिगिंग वाली साइड पर तो उसके रेट मूव हो जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए लोकेशन बहुत ही आउट क्लास है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मज़ीद किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो इस प्रोजेक्ट के हवाले से यूबीएन ट्रेड टावर और सॉरी इसमें एक मज़ीद मैं चीज़ इंशाल्लाह ऐड करता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि लाजमी होती है हर प्रोजेक्ट के अंदर कि जो प्रोजेक्ट बंदा डिलीवर कर रहा है उसकी बैक हिस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डर है या जो बंदा ये इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी इस सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व है और तकरीबन को 3 से 4 बिल्डिंग वो डिलीवर कर चुका है डिफरेंट नेम्स के साथ। तो ये उनका ये पहला प्रोजेक्ट था जुनेव एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर, लेकिन ऑलरेडी ये मिडवे ए और बी कमर्शियल में 3 से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और मैं आपको फिज़िकली जाके विज़िट भी करवा सकता हूँ।
तो इसकी जो बैक हिस्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉस की ओर है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप विदाउट एनी हर्डर, विदाउट एनी परेशानी यानी कि कंफ्यूजन के आप इसके अंदर बुकिंग करवा सकते हो, और इंशाल्लाह डिगिंग जब स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिक आपको इंशाल्लाह इसमें अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी ऑफिस हैं, जो भी बिल्डिंग रेडी होती है वो अपना कारोबार करना चाह रहे हैं या उसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यानी कि वो फौरी रेंट आउट होता है, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा रेंट पे देने के लिए। या फिर डिफरेंट इस टाइम ऑफिस यानी कि बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें देखें मैक्सिमम जो ऑफिस इस टाइम बन रहे हैं वो रियल इस्टेट के बन रहे हैं, रियल इस्टेट मार्केटिंग के, बिल्डर के। इस तरह अब इसमें तीन चार चीज़ें मज़ीद ऐड हुई हैं, मीन के रेस्टोरेंट डिफरेंट, जिस तरह डोमिनियन बिजनेस सेंटर वन जिसमें हमारा ऑफिस लोकेटेड है उसके अंदर डिफरेंट मज़ीद भी अब यानी कि ऑफिस के अंदर इंटरटेनमेंट के हवाले से टीवी चैनल इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं इस टाइम। जिस तरह डोमिनियन बिजनेस सेंटर के अंदर तकरीबन तीन चार ऑफिस बुक करवाए हैं एक दोस्त ने, और वहाँ पर वो टीवी चैनल बना रहा है। इस तरह इंटरटेनमेंट के हवाले से स्नोकर क्लब हैं और रेस्टोरेंट यहाँ पर अभी आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम आपको इस टाइम जो प्री लॉन्चिंग हो रही होती है तो उसमें रेट काफ़ी मुनासिब होते हैं, लेकिन एक जब उसकी बुकिंग ख़त्म हो जाती है या डिगिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके रेट मूव हो जाते हैं ऑलरेडी, जिस तरह मैंने आपको बताया और पिछली भी वीडियो के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। तो ये देखें, जब हम प्री बुकिंग के अंदर कोई चीज़ बुक करवा रहे होते हैं तो वो इजीली हम उसको गेन कर सकते हैं, मीन के इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने पैसे देने होते हैं, दो साल के अंदर, तीन साल के अंदर, चार साल के अंदर आपने पैसे देने होते हैं। तो एक ईजी वे होता है एक चीज़ को परचेज़ करने का, एक प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का, जो हम इजीली इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसको पे कर रहे होते हैं। मज़ीद इसके अलावा देखिए, यहाँ पे तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं प्राइवेट बिल्डर के, किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड आपको चाहिए हो तो आप अपने होस्ट और शबाज से किसी भी वक्त 24 आवर्स रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपने होस्ट और शबाज को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।